सुंदरी उसको मिली तो राजा ने कहा हम तुमसे ब्याह करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ब्याह तो करोगे लेकिन मैं बड़ी खतरनाक लड़की हूं। तो क्या अगर तुमने अपनी परछाई कहीं देखी शीशे में या कहीं भी तो फिर मैं मेढकी बन जाऊंगी। मेढक होता है ना तालाब में, तुम हमको नहीं पाओगे। उन्होंने कहा मैं सब अपने महल के शीशे को निकाल बाहर कर दूंगा पहले ही, चलो तुमसे ब्याह करूंगा। तो महल के सब शीशे जितने भी लगे थे सबको निकलवा दिया पहले ही, कि कहीं हम परछाई देखेंगे ही नहीं तो मेढकी कैसे बनेगी। एक बार शिकार खेलने गए और एक हिरण के पीछा किया, हिरण भागता गया, ये दौड़ते गए हाँफते गए प्यासे हुए, इतनी प्यास लगी कि सामने देखा एक सरोवर है और बस भागे दौड़े घोड़े को दौड़ाया पानी पीने को और ये भूल गए कि परछाई दिखाई पड़ेगी पानी में। और जब पानी में पीने के लिए हाथ को किया परछाई दिखाई पड़ी, वो मेढकी हो गई। तो तत्व ज्ञान भूला इजाब गया, आदमी पशु बन जाता है, उसी बाप की उसी माँ की पूजा करता है, उसी गुरु की पूजा करता है। और जब क्रोध आया अहंकार आया कोई रोग आया ये तो दुर्भावना करने लगता है, अरे मर्डर कर देते हैं लोग माँ बाप के। संसार में यहां तक होता है। और बाद में फिर अरे मैंने बड़ी बेवकूफी की, बड़ी बेवकूफी की। तो बार बार कह रहा हूं मैं कि प्रवचन को बार बार सुनो, जैसे प्यार बार बार सोचने से बढ़ता है दुश्मनी बार बार सोचने से बढ़ती है, ऐसे ही भगवत विषय का चिंतन बार बार करने से दृढ़ होता है, दृढ़ मजबूत, जो हमेशा रहे वो मजबूत, हमेशा हमारे साथ रहे, ज्ञान भूलने न पाए। जैसे एक छोटी सी बात, भगवान सदा हमारे आइडियाज नोट करता है। आप लोगों को 100 बार 1000 बार समझाया है, आप लोग जानते हैं ना? हाँ जानते हैं जी, पक्का जानते हैं, बिल्कुल पक्का। ये पक्का जानने का मतलब क्या, हर समय फीलिंग में आवे, वो नोट कर रहे हैं। तो फिर कोई गड़बड़ी क्यों किया आपने, क्रोध क्यों किया, लोभ क्यों किया, ईर्ष्या क्यों किया, दूसरे को डाटा क्यों, दूसरे में दुर्भावना क्यों की, उसमें तो भी श्री कृष्ण बैठे हैं। हाँ ये भूल गए तभी तो किया, अगर ये याद रहता वो हमारे हृदय में बैठे नोट कर लेंगे तो हम कोई गड़बड़ न करते, हर समय होशियार रहती, अरे वो नोट कर लेंगे। तो बिना परिपक्व थियरी की नॉलेज के हम हर समय प्रैक्टिकल नहीं हो सकते, ये जजमेंट, हर समय प्रैक्टिकल होना, हर समय वो ज्ञान बना रहे ताकि कोई गड़बड़ न होने पाए, कोई दोष अंदर आ करके हमारा बिगाड़ा न कर सके माया वाले। तो जब कोई गड़बड़ हुई तो इसका मतलब थियरी की नॉलेज तुम्हारी चली गई थी, इसका मतलब तुमने लापरवाही की कि हमको सब आता है। आता कहा, वो तो चला गया था,
अब फिर आ गया वो, ठीक है, लेकिन वो एक सेकंड को भी गया तो देखो गाड़ी चलाते हो, हर समय रखते हो ध्यान न, आगे कौन है, पीछे से, बाएं से, दाहिने से, हाँ, अगर एक सेकंड को तुम भूल गए या झपकी लग गई, हो गया एक्सीडेंट, मर गए। एक सेकंड को झपकी लगी थी साहब, ज्यादा नहीं लगी, अरे तो एक सेकंड में तो सत्यानाश हो गया। एक सेकंड में, ऐसे ही अगर एक सेकंड को भी हम तत्वज्ञान भूल गए तो उस सेकंड में पता नहीं क्या पाप कर बैठे, कौन दोष हमला कर दे हमारे ऊपर, और हम भूल जाए कि वो हमारे अंदर बैठे नोट कर रहे हैं, लापरवाह हो जाए। इसलिए बार बार श्रवण करना चाहिए। वे उच्च कोट के साधक जो एक बार सुन लेने के बाद सदा उसको गांठ बांध लेते हैं, ऐसा बोलते हैं संसार में, सदा के लिए उनके पास हो गया ज्ञान, अब नहीं भूलेगा। ऐसे उच्च कोट के साधक तो कहीं कभी किसी को मिल जाए, अन्यथा तो साधारण जीव ही सब है, और वो बार बार थियरी की नॉलेज को मस्तिष्क में रिवीजन के द्वारा पक्का करेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो जिस समय सुना हा समझ में आ गया, अरे आ गया फिर चला गया। तुमने लापरवाही की, आया 1,00,000 रुपया मिल गया, और यहाँ छोड़ के चले गए आप, कोई आया देखा 1,00,000 है लो। तुमने लापरवाही की तो वो हो गया, तब कमाई गई। तो ऐसे ही ये मन बहुत गड़बड़ है, इसमें तत्वज्ञान हमेशा भरा रहे, और उसी के द्वारा फिर आप संसार में व्यवहार करें, तब भी गड़बड़ होती जाएगी बीच बीच में, लेकिन लगातार पीछे लग जाए जब, तो धीरे धीरे कम होते कम होते कम होते एक दिन खत्म हो जाएगी। कोई भी चीज सहसा नहीं हो जाती, धीरे धीरे होती है। काका गागा जब आप लोग पढ़ते थे तो आप लोगों को भूल गया कि एक अक्षर के बोलने में कितनी मेहनत पड़ी थी। जब टीचर ने कहा देखो बेटा बोलो का का, अब बोलो मा मा, अब बोलो ला ला, अच्छा बेटा अब बोलो कमल, तो आप बोले थे कलम। अरे कलम नहीं कमल, तब आपने कहा कमल। वो अवस्था थी एक दिन आपकी, और फिर पढ़ते पढ़ते आप बीए एमए वगैरह बहुत डिग्रियां ली, बहुत अभ्यास किया दिन रात, तब आप गलती अब नहीं करते। अब आप बिना किसी के पढ़ाए ही ठीक ठीक बोलते। तो ऐसे ही पहले पहल बहुत सावधान रहना होगा, बहुत सावधान होकर के, और भीड़ भाड़ में गाड़ी चलाना है, ये संसार भीड़ भाड़ है, सब गड़बड़ वाले लोग हैं, ये ऐसे ऐसे व्यवहार करते हैं कि आपको क्रोध आवे, लोभ आवे, काम आवे, ईर्ष्या आवे, ऐसे व्यवहार करने वाले भरे पड़े हैं, समझे रहो ये दुश्मन है सब, इनसे होशियार रहो। हाँ मेरी परीक्षा हो रही है कि ये गुस्सा करे, डांट लो, गाली दे लो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, डटे रहो। अब भूल गए और क्या कहा, तुरंत 1 सेकंड में
तो फिर कहां तत्व ज्ञान आपको है? एक महापुरुष हुए हैं वृंदावन में, रूप गोस्वामी, उन्होंने एक किताब लिखी है भक्ति रसामृत सिंधु, वो दुनिया में टॉप की किताब है भक्ति की। वो एक बहुत बड़े विद्वान आए वृंदावन में, और जीव गोस्वामी भी थे वहीं पर, रूप गोस्वामी के शिष्य। तो यमुना नहाने गए दोनों साथ में, तो जो पहला श्लोक था रूप गोस्वामी का, उसमें गलती निकाला उस विद्वान ने, वो काशी के विद्वान ने। तो जीव गोस्वामी को गुस्सा आ गया कि हमारे गुरु जी में गलती निकाला, वो लड़ गए उससे। खाना पीना भूल कर दिन भर लड़ते रहे उससे, उसको परास्त कर दिया बेचारे को, वो खिसिया करके हार गया। तो फिर दोनों आए रूप गोस्वामी के पास, तो जीव गोस्वामी ने कहा कि महाराज इन्होंने ऐसा ऐसी बात कही तो मुझे गुस्सा आया, मैं आज मैं इसीलिए दिन भर आया नहीं, और इनको परास्त करके तब मैं आ रहा हूं। तो रूप गोस्वामी ने कहा, ऐ जीव वृंदावन छोड़ के बाहर जा, अभी जा, निकल जा, तू यहां रहने लायक नहीं है, राक्षस हो गया तू तो, क्रोध के अंदर में हो गया, वो वृंदावन बात करे, तूने क्रोध के ऊपर क्रोध क्यों नहीं किया, तूने विद्वान ब्राह्मण को हरा करके इसको दुखी करके और हमको बताने आया है कि हमने कमाल किया। अरे अगर ये अज्ञानी है तो इस पर कृपा करो कि इसको परास्त करके दुखी करो। तो ऐसा है, ये दोष है माया का, क्रोध हो, लोभ हो, काम हो, ईर्ष्या हो, ये मौका तके रहता है, जरा सा मौका मिला कि हमला किया इसमें। तो वही बच सकता है जिसको थियरी की नॉलेज हर समय रहे साथ में, और तुरंत बचा ले। एक जानवर होता है, मैं कल देख रहा था, एक गाय बैठी थी यहां सड़क के ऊपर, गाय, मैं उसको देख रहा था यहां खड़े खड़े, आप लोग कीर्तन कर रहे थे, मैंने क्या नोट किया, आराम से बैठी है और खा रही है। एक गाय भैंस जो है पेट में चारा डाल लेती हैं खूब सारा, और बाद में निकाल निकाल के उसको चबाती हैं बैठ करके। उनके पेट में कई पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट में सब डाल दिया जल्दी जल्दी, और फिर जब आराम से जब बैठी तो उसमें से निकाल निकाल के दांत से चबाती चबा के फिर दूसरे खाने में डालती हैं। तो वो क्या कर रही थी गाय, कि चाबती जा रही थी निकाल निकाल के, ये तो वर्क। और उसकी पूंछ जो थी, पूंछ उससे लगातार मक्खियां काट रही थी उसको, तो अपनी पूंछ से लगातार मक्खियों को मार रही थी, हिला भगा रही थी बार 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 लगातार। एक मिनट या आधी मिनट या दस सेकंड की देर नहीं, इधर कभी इधर कभी इधर, और खाई जा रही। अब जरा भी असावधान नहीं है, नहीं तो वो मक्खी उसको छेद कर देगी चमड़े में, ऐसी ऐसी मक्खियां होती है। तो हर समय सावधान रहना पड़ेगा पहले पहल, फिर जब अभ्यास हो जाएगा, अब गाड़ी चलाना आ गया, एक हाथ से गाड़ी चला रहा है, पीछे वाले से बात भी कर रहा है, देख भी रहा आगे क्या हो रहा है, पीछे से एक साइड मांग रहा है, सब देख रहा है, सब कर रहा है। और इधर से अब फोन आया, बजी आवाज, इधर से फोन पे, अरे रे, इतने सारे वर्क कर लेता,
हाँ जी हमने 15 साल गाड़ी चलाई बड़ा अभ्यास है। पहले पहल तो हम सब परेशान हो गए थे कि ब्रेक लगाऊं कि क्लच काम करूं क्या करूं ऐसे ही अभ्यास करने से सब कुछ हो जाएगा, सरल है, लेकिन पहले परिश्रम है। इसलिए थियरी की नॉलेज में गौरांग महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत बलिया चित्ते नाथ और आलस। सिद्धांत ज्ञान में आलस्य न करो, लापरवाही न करो। अभी तो 12 से 1 तक लेक्चर होगा, चलो अपन उधर घूमते हैं, उधर बैठते हैं, उधर जब कीर्तन होगा तो चलेंगे। और कुछ लोग लेक्चर हो रहा चलो जल्दी, अब तो कीर्तन हो रहा है चलो घूम जावे चाय पियावे। कुछ लोगों को ये बीमारी है, प्रैक्टिकल में नहीं इंटरेस्ट लेते दोनों आवश्यक है। हाँ बोलो।